पलवल जिले में पिछले चार दिनों से कोई नया केस सामने न आने से स्वास्थ्य विभाग व जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में अब तक कोविड 19 संक्रमण के 36 केस सामने आए हैं, जिनमें से 32 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 4 मरीजों का कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक 2700 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनमें से 697 लोग अपना सर्विलांस पीरियड भी पूरा कर चुके हैं और 2003 लोग अभी भी सर्विलांस पर बने हुए हैं। इसके अलावा 9 लोग अभी भी नागरिक अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। पलवल जिले में अभी तक 2260 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 2016 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है और 36 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 208 लोगों की रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। आज कोरोना को लेकर पलवल जिले की स्थिति में लगभग 2700 लोग सर्विलेंस पर रखे गए थे, उनमें से 697 लोग अपना सर्विलेंस का समय पूरा करके और 2003 लोग अभी भी सर्विलेंस पर बने हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के, और लगभग 9 लोग हमारे आइसोलेशन वार्ड में अभी दाखिल हैं और 2260 लोगों के सैंपल्स भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 2016 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 36 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 208 अभी रिपोर्ट जो कल रात को भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट अभी बाकी है। 36 में से 32 लोग ठीक होकर वापस घर तक पहुंच चुके हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। इनमें मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है, ये देखने में आ रहा है कि लोग सड़कों पे दुकानों में एकदम से भीड़ होने लगी है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है। हम लगातार अपना मास्क का प्रयोग करें, समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। अगर कहीं पर भी भीड़ होती है तो हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सबको औरों को भी जागरूक करें और ना कि खुद गलती करें। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।